नमस्कार, मैं ममता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। सांगली के दिगंजी गांव की ग्राम पंचायत में सैनिक तथा पत्रकारों के लिए कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। हमारे देश के सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपनी पूरी जवानी न्यौछावर कर देते हैं। इन्हीं सैनिकों की बदौलत हम आज सुरक्षित हैं। इन्हीं सैनिकों को सम्मान और प्यार समाज की तरफ से मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से सांगली में आटपाड़ी तहसील के दिग्गजी ग्राम पंचायत ने सैनिकों के लिए मकान बनवाकर देने की घोषणा की है। इसके साथ ही पत्रकार भी समाज का एक तरह से सैनिक ही है जो हर बुराई के साथ लड़ता है। लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ के तौर पर इसे देखा जाता है, लेकिन आज के ज़माने में पत्रकारों की तरफ लोगों का देखने का नज़रिया बदल चुका है। लेकिन जब हर सिस्टम के सामने जाने के बाद न्याय नहीं मिलता, तब थक हारा व्यक्ति मीडिया के पास न्याय के लिए पहुँचता है। तो यही पत्रकार पीड़ित को न्याय दिलाने सरकार की योजना का प्रचार प्रसार करना एवं सरकार की गलतियों को सरकार के सामने रखना ये काम करता है। ऐसे पत्रकारों के प्रति आदर रखने हेतु दिग्गजी ग्राम पंचायत ने मकान बनवाकर देने की घोषणा की है। इस घोषणा का पूरा करने के लिए सरपंच अमोल मोरे ने कार्रवाई शुरू कर दी है, ऐसा बताया है। आटपाड़ी तहसील का एक छोटा सा गांव विभूतवाड़ी ने भी कुछ दिन पहले सैनिक तथा पत्रकारों को घर भाड़ा माफ करने का निर्णय लिया था। उसके बाद दिग्गजी ग्राम पंचायत की तरफ से हुई इस पहल को पत्रकार तथा सैनिकों की ओर से स्वागत किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। सिरोही जिले के शिवगंज की नगर पालिका पर पार्षद ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सिरोही जिले के शिवगंज में कुंदन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से रूबरू होकर नगर पालिका पार्षद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अब्बास अली ने बताया कि नगर पालिका शिवगंज से स्टोर शाखा में वर्ष 2017 से 18 में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, वह अनियमितता बढ़ती जा रही है। लाखों रुपए की राजस्व आय का नुकसान किया गया, बिना फालतू के टेंट और बड़े बड़े खर्चे किए गए। बाकी जन जिस व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिलना चाहिए, एक भी व्यक्ति को आज दिन तक कि इस प्रकार की शहरी जन कल्याण शिविर का लाभ नहीं मिला है। सिर्फ सरकारी आंकड़े जो पेश किए गए हैं, वो भी झूठे आंकड़े पेश किए गए हैं। सभी प्रकार के किसी भी प्रकार का गरीब व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। सब एकमात्र औपचारिकता पूरी की गई है। हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से बताया था, बाकी रोज कैंप लगाते थे, बाकी आज दिन तक लोगों को किसी गरीब को फायदा नहीं पहुंचाया गया है। दूसरा ये है कि सिर्फ लोग चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काटने के अलावा लोगों के पास बचा कोई नहीं है। नगर पालिका मुख्यमंत्री सर्व कल्याणकारी योजना 2018 के अंतर्गत गठित एम्पावर कमेटी ने 29 एकल निविदा स्वीकृत की थी, पर पालिका ने करोड़ों लाखों रुपये नुकसान पहुँचाया है। एकल निविदा स्वीकृत करके लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचाया है। एकल निविदा अगर आप करते हो तो उसको मतलब आपको बोर्ड में रखनी चाहिए। एकल निविदा तो 1 लाख तक की होती होगी? नहीं, एकल निविदा तो 1 लाख से ऊपर होगी। 1 लाख से ऊपर नहीं होती। इसी प्रकार पालिका द्वारा वर्ष 2017-18 में 1.5 करोड़ की सामग्री केवल कोटेशन के आधार पर खरीदी कोटेशन पर खरीद की गई है, जिसमें प्रोक्योरमेंट एक्ट 2012-13 का खुला उल्लंघन किया गया। इस बाबत नगर पालिका में गत दिनों राज्य सरकार की ओर से की गई अंकेक्षण में भी अधिकारी ने गलत ठहराया है। चालू वित्त वर्ष में शहर के 10 स्थानों पर कोटेशन पत्रावली से पानी की टंकियां लगाई गई है, जिसमें प्रति टंकी एक ही व्यक्ति को 95,000 टंकी खरीद कुल 9.5 लाख का भुगतान किया गया, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। पालिका के खुली निविदा आमंत्रित नहीं करते, जिससे प्रतिष्ठात्मक दर नहीं आने से भाजपा बोर्ड अधिकारी कर्मचारी मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के शिवगंज से जितेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट। गुजरात पुलिस ने बस से बरामद की 22 किलोग्राम से अधिक चांदी। राजस्थान से गुजरात ले जा रही थी चांदी, दो लोगों को भी किया गिरफ्तार। अमीरगढ़ पुलिस के अनुसार राजस्थान के मावल से सटी अमीरगढ़ चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान राजस्थान की तरफ से आ रही बस को रोका गया। बस में सवार यात्रियों के सामान की जांच की गई। इसी दौरान बस में 2 व्यक्ति संदिग्ध लगे, उनकी सामान की जांच की गई। यात्रियों के बैगों में चांदी पाई गई। इस पर दोनों को बस से उतारकर थाने ले जाया गया। दोनों से परिवहन कर ले जाई जा रही चांदी की दस्तावेज या साक्ष्य दिखाने को कहा, लेकिन दोनों ने यात्रियों के पास बैग में भरी चांदी के बारे में वांछित दस्तावेज नहीं मिला। बरामद की गई चांदी का मूल्य करीब 5,11,214 रुपये आका गया है। राजस्थान के ब्यावर के जमालपुरा निवासी बसंती बाई सोनी व भीलवाड़ा के प्रकाश सोनी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आयकर विभाग को सूचित कर दिया।
राजस्थान के सिरोही से लियाकत अली की रिपोर्ट। अलीपुर के बिजूरी में केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए धन संग्रह करते हुए अखिल भारतीय परिषद बिजूरी ने लोगों के पास जाकर पीड़ित लोगों के लिए धन संग्रह किया। अनूपपुर के बिजूरी में केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए धन संग्रह करते हुए अखिल भारतीय परिषद बिजूरी मार्केट द्वारा सभी लोगों के पास जाकर पीड़ित लोगों के लिए धन संग्रह किया और उत्साह और समर्पण के साथ सभी से सहयोग लिया गया और केरल को सहयोग किया गया। इस बीच में छात्र संघ के अध्यक्ष शिवम सिंह, एबीवीपी के नेता रवि शुक्ला और कई मित्र भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के अनूपपुर से मुकेश रजक की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आशा के दीप जलाती वो, आशा ही कहलाती वो, नारी है नारी को समझे, मातृत्व की बात बताती वो, कभी राह चलते चलते कभी खुल के बातें करती वो, स्वस्थ बच्चे हों हर आंगन, आशा ये ले आती वो, जननी सुरक्षा की बातें जन जन को समझाती वो, सही समय पर सही सलाह और उपचार दिलवाती वो, स्नेह सभी का पाती वो, राह उचित दिखलाती वो, आशा है नव भारत की, आशा ही कहलाती वो, स्वस्थ भारत के निर्माण में ये है इनका योगदान। और आपका? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। इलाहाबाद जिले के संगम गंगा में विसर्जित हुआ अस्थि भस्म। इलाहाबाद में हो रही बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं के अपार भीड़ सड़क पर पदयात्रा करते हुए संगम की ओर बढ़ी। भगवान इंद्रदेव ने भी कार्यकर्ताओं की अतुट श्रद्धा के आगे हार मान ली। लगभग ढाई घंटे की पदयात्रा करने के बाद अस्थि कलश संगम नगरी पहुंची, जहां सेना के जवानों द्वारा सलामी दी गई। तत्पश्चात संगम पर बने पंडाल में रखा गया, जहां शोक सभा हुई और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अस्थि कलश विसर्जन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, राज्य मंत्री महेंद्र सिंह, ज्ञान सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष जमुना पार पिछड़ा वर्ग सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस बीच SSP नितिन तिवारी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त देखे गए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। इलाहाबाद जिले में भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार रविवार को मनाया गया। रक्षाबंधन पावन पर्व गुरपुर क्षेत्र कर्मा व जसर बाजार में रंग बिरंगी राखी और मिठाई की दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया गया। साउंड के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पुरानी फिल्मों के गाने को बजाया जा रहा था। दोपहर 3 बजे रक्षाबंधन के दिन जय मां विध्वासिनी नवयुवक कमेटी अंबेडकर नगर नैनी से प्रथम पदयात्रा चौकी मां विध्यांचल के लिए निकाली गई। अंबेडकर नगर के मोहल्ले से होते हुए काटल मिल व मेवालाल बगिया सरगम चौराहा होते हुए कई चौकी और कई झांकियां गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस कार्यक्रम का संचालन मुख्य रूप से रण विजय सिंह, डब्बू एडवोकेट समाज सेवी ने किया और अध्यक्षता मिथुन निषाद ने किया। किसी का कोई ट्रैफिक मामला ना होने पाए, बाकी हमारे कमेटी के जितने बच्चे हैं रात दिन एक करके प्रथम पद यात्रा हमारे अम्बेडकर नगर से माँ विंध्यवासिनी के लिए आज निकाला गया है। क्षेत्र के वासियों को, लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यह प्रथम वर्ष है और इससे भी जोर शोर से हम लोग हर साल कार्यक्रम करते रहेंगे और सदैव करते रहेंगे यही। इस मौके पर अजय प्रजापति, अनिल कुमार, एडवोकेट सोम बाबू तथा समस्त मोहल्ले के वासी लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से विनय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रामपुर में अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। रामपुर के भोट थाना क्षेत्र के सनय सुख ग्राम में दोस्त की बीवी से अवैध संबंध बनाना युवक को भारी पड़ गया। मृतक महबूब अली को कुछ समय पहले अपने दोस्त की बीवी से प्यार हो गया, जिसका फायदा उठाकर दोनों दंपति ने उसे पैसे उगाने शुरू कर दिए। जब महबूब पैसे देने में असमर्थ हो गया, तब दंपति ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। परिजनों ने आरोपी दंपति के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।
हाँ, ये थाना बोट में सनैया सुख गांव है जिसमें एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है। इसमें इस संबंध में थाने पर मुकदमा 302-201 IPC के अंतर्गत पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें दो लोगों को नामजद किया गया है और मृतक का पंचायतनामा और PM की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके और विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। परिजनों के मुताबिक दोनों मियां बीवी ने मिलकर महबूब की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों दंपति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद से कुर्बानी की पशुओं की हड्डियां लेकर संभल जा रही पिकअप बुलेरो को चार लोगों ने रोक कर ड्राइवर और क्लीनर को बुरी तरह मारपीट कर गाड़ी को 10 सराय पुलिस चौकी के सामने आग लगा दी। मुरादाबाद से कुर्बानी के पशुओं की हड्डियां लेकर संभल जा रही पिकअप बुलेरो को मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में चार लोगों ने रोककर गाड़ी के ड्राइवर और कंट्रेटर को बुरी तरह मारपीट कर गाड़ी को हाईवे से अपने कब्जे में लेकर 10 सराय पुलिस चौकी के सामने गली में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। पीड़ित के मुताबिक अज्ञात हमलावर युवक के माथे पर तिलक लगे हुए थे। चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी से बदबू आ रही थी और जब गाड़ी खड्डे में फंस गई तो युवकों ने उसमें तोड़फोड़ कर आग लगा दी। पीड़ित ड्राइवर और कंडक्टर का कहना है कि वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले और थाने पहुंचे। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, वरना मुरादाबाद का माहौल बिगड़ सकता था। पुलिस ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब वो आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से बंटी सक्सेना की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialiveNewsChannel@gmail.com पर, या आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialiveNews.co.in पर। नमस्कार।